हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योरपीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आईआईटी बॉम्बे के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस एंड उसका क्वेश्चन पेपर और क्या क्या पीएचडी में सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, एंड उसी वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। एंड उसी वीडियो में डिमांड थी कि सर बाकी आईआईटीज के लिए भी ये वीडियो बनाओ। ओके, एंड सेकेंड आईआईटी जिसको हम आज लोग जिसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के अंदर एमटेक की क्या कट ऑफ है डिफरेंट ब्रांचेज के लिए, मतलब ऑल ब्रांचेस को कवर करेंगे हम लोग, एंड पीएचडी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिटर्न टेस्ट होता है या एमएस के लिए रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होता है तो क्या क्या सिलेबस रहता है उसका। ओके, सो जस्ट टाइप आईआईटी मद्रास ऑन गूगल एंड हियर वी कैन सी द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी मद्रास। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाऊँ तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बेसिकली एरोस्पेस, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ओके, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर हम लोग सर्च करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है आपके पास। तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास का पेज ओपन हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सिलेबस फॉर एमएस पीएचडी इंटरव्यूज, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस को चाहे तो आप यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो आप लोग, तो एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स पैनल है जो उसके लिए, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस ये आपको गिवन है, और मोर और लेस जो गेट का सिलेबस है वही है, एंड इंटरव्यू के लिए सिलेबस ये कुछ टॉपिक्स गिवन है जो फ्लूड मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग एरोस्पेस के अंदर फर्दर कुछ सब डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल पैनल, एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल पैनल एंड प्रोपल्शन। तो इनमें से अगर हम लोग बात करें प्रोपल्शन, तो मेजरली यहाँ पे जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं जिनका थर्मल में इंटरेस्ट है वो अप्लाई करते हैं, एंड एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल पैनल की बात करें तो इसके अंदर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हो, बाकी जिन्होंने एरोस्पेस की है वो तो कर ही सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर के अंदर भी सिविल एंड मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेज हैं जो एलिजिबल हैं, लेकिन वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उसको आप लोग इसके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो जाके। ओके, तो ये तो सिलेबस था आईआईटी मद्रास एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स का। अब हम लोग एक कोई एक और डिपार्टमेंट उठा के देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा। ओके, सो लेट्स सी सेकंड डिपार्टमेंट यहाँ पे कौन सा था आपके पास, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन इसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब आप लोग अकेडमिक्स में जाओगे तो डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी का आपको लिंक मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलेबस फॉर एमएस पीएचडी इंटरव्यूज, डायरेक्ट पीएचडी सिलेबस इज सेम एज एमएसडी एमएस। ओके, तो जो एमएस का सिलेबस है और डायरेक्ट पीएचडी का सिलेबस है वो सेम है। फॉर एग्जांपल इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यहां पे देख सकते हो एस्पिरेंट अपीयरिंग फॉर एमएस डिग्री, तो उनके लिए ये कुछ सिलेबस है एंड उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी सजेस्ट किए हैं, और पीएचडी की बात करें तो ये कुछ सिलेबस दिया है। तो आप इस सिलेबस को प्रिपेयर करके जाओ, एंड साथ में मैथमेटिक्स आपने प्रिपेयर करना ही है बिकॉज अभी फॉर्म्स निकलेंगे एंड फॉर्म्स के बाद कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली बायोमेडिकल ग्रुप का सिलेबस देख लेते हैं, तो ये बायोमेडिकल का एमएस एंड पीएचडी का सेम सिलेबस एंड कुछ रेफरेंस बुक्स गिवन है। ओके, तो ये तो था आपके पास कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपने कैसे बेसिकली रिटर्न टेस्ट का सिलेबस, और अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में रिटर्न टेस्ट का सैंपल पेपर मिल रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो कुछ डिपार्टमेंट्स का अवेलेबल है एंड कुछ डिपार्टमेंट्स का अवेलेबल नहीं है, तो जिसका अवेलेबल है उसको आप लोग देखते जाओ, एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, हियर यू कैन सी एमटेक एडमिशन 2019 एट आईआईटी मद्रास लोएस्ट गेट स्कोर कैटेगरी वाइज फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कट ऑफ मार्क्स दिया है कि जिसके ऊपर लास्ट सिलेक्शन हुई थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे पहला डिपार्टमेंट कौन सा था आपके पास, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो इसको यहाँ पे इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, AE, AEY, AEY*Y* ऐसे करके कुछ यहाँ पे गिवन है। ये पूरा जो भी है आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, तो जो AE1Y करके है उसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले अगर बात करें, AE1 के अंदर अगर मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए कट ऑफ अलग गया है, एंड AE1 के लिए अंदर अगर सिविल, केमिकल और जो ब्रांचेज वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके लिए कट ऑफ कुछ और गया है। ओके, सिमिलरली आप लोग ये कोड्स को मैच कर सकते हो इसके साथ एंड अपनी ब्रांच के रिलेटेड देख सकते हो। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कट ऑफ गिवन है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस की बात करें तो CS यहाँ पे मेंशन है, इलेक्ट्रिकल की बात करें ME, मैकेनिकल की बात कर सकते हो। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं जो आपके गेट के पेपर के अंदर भी होते हैं, वही कोड्स के साथ यहाँ पे आपको कट ऑफ गिवन है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो PDF को कि कहाँ कहाँ क्या क्या कट ऑफ गिवन है यहाँ पे। ओके, तो अपना जो भी कट ऑफ है वीडियो को पॉज करके हेयर यू कैन सी एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करो, COAP के थ्रू एडमिशन होता है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट नेक्स्ट आईआईटी के लिए भी हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो बनाते रहें. ओके थैंक यू फ्रेंड्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.